हेलो दोस्तों, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आपको बता दें कि पुरानी भर्ती में अब 2000 नए पद जोड़े जा रहे हैं। और इसमें जो है आपको बता दें कि बीएड वालों को भी पूरा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपको बता दें कि 2000 पद काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और ऐसे में डीएलएड के अभ्यर्थियों की बात करें तो डीएलएड के बाद जो है वो बीएड वाले अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद में यहाँ पर भर्ती होगी। और इसके लिए अब आपको बता दें कि सबसे पहले जो यहाँ पर जो फ़ायदा मिलेगा वो शिक्षा मित्रों को, और उसके बाद जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिनका बीएड पहले हुआ है, यानी अब जो है वर्षवार होकर दिया गया है, तो जो यहाँ पे 2005-06 तक हैं उनको यहाँ पे नंबर मिल जाएगा, चाहे उनके मार्क्स कितने भी कम हो। तो ऐसे में ये बहुत ही बड़ी खबर है। आपको बता दें कि अब जो है जो यहाँ पर अभ्यर्थी थे जिनका यहाँ पे बीएड काफ़ी पहले यहाँ पे जिन्होंने किया है, तो उनके लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि 2000 पद हैं। तो अब जो है जितने भी बीएड धारक थे वो उनको यहाँ पर सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं आज की खबर है। और आपको बता दें कि इसमें जो है यहाँ पे जो पुरानी भर्ती चल रही थी इसी में ये 2000 पद जोड़े जाएंगे। तो ऐसे में आपको बता दें कि नई जो यहाँ पे विज्ञप्ति है वो यहाँ पे जारी हो सकती है, तो ये आपको देखना होगा। तो चलिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर आज की खबर है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर आया हुआ है, राज्य में 2000 बेसिक शिक्षक भर्ती होंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिक शिक्षा नियमावली में जारी होने के बाद शिक्षा विभाग ने नई भर्ती को तैयारी शुरू कर दी है। अपात्र शिक्षा मित्रों के पद रिक्त मानते हुए सभी डीओ बेसिक को भर्ती के निर्देश दिए जा रहे हैं। डीएलएड और टीटी न होने के कारण करीब 2000 शिक्षा मित्र अपात्र की श्रेणी में है। तो आपको बता दें ये पद क्यों आ रहे हैं, तो ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 2000 जो अभी भी जो यहाँ पर शिक्षा मित्र थे इनका टेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो इनके पदों को अब रिक्त माना गया है। इस वजह से इन 2000 रिक्त पदों को भी अब जोड़ा जा रहा है और यहाँ पे भर्ती नहीं निकाली जा रही है। अपर निदेशक बेसिक बीएस रावत ने बताया कि सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा यानी अध्यापक संशोधन नियमावली मंगलवार को विधिवत रूप से जारी कर दी। नियमावली सभी डीओ को भेजी जा रही है। इसके अनुसार 31 मार्च 2019 तक डीएलएड या टीटी न कर पाए शिक्षकों को अपात्र माना गया है, लिहाजा ऐसे सभी शिक्षा मित्रों के पद रिक्त मानते हुए आगे भर्ती की कार्रवाई की जाए। वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में इन पदों को भी शामिल किया जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, जो वर्तमान प्रक्रिया है इसी में इन पदों को शामिल किया जा रहा है। तो ऐसे में बहुत बड़ी खबर है, आपको बता दें कि इसमें 2000 पदों को जोड़ा जा रहा है। और ये इसीलिए हो रहा है जैसा हमने आपको बताया कि जो पुराने जो शिक्षा मित्र थे इनको अब यहाँ पर जो जिन्होंने यहाँ पे जिन्होंने टेट क्वालिफाई कर लिया उनके तो अच्छे नंबर है, क्योंकि उनको 12% का और वेटेज मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पे टीटी अभी तक क्वालिफाई नहीं है उनके यहाँ पे पद को रिक्त मानते हुए 2000 पद जो है इनको वर्तमान जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है इसी में शामिल किया जा रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया कि टीटी को वक्त मिले, यहाँ पे दिया गया डीएलएड टीटी विहीन शिक्षा मित्रों को ने सरकार टीटी के लिए कुछ वक्त मांगा है। समायुक्त प्राथमिक शिक्षक के प्रदेश अध्यक्ष जो कि यहाँ पर इनका कहना है कि प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के पहले करीब 2800 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी। हाईकोर्ट के आदेश पर 2015 में उन्हें औपबंधिक रूप से सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति कर दिया गया था। इनमें 1500 करीब अभी टीटी नहीं कर पाए हैं, जबकि एनसीटीई पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि इन शिक्षा मित्रों के लिए टीटी अनिवार्य नहीं है, पर उस आदेश को नोटिफिकेशन न होने से यह समस्या आई। ऐसे में शिक्षा मित्रों को अनर्य मान भर्ती करना नाइंसाफी है। इस बाबत केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से ज्ञापन दिया गया है। तो ये यहाँ पे टीटी वालों ने कहा है कि उनको जो शिक्षा मित्र है कि उनको थोड़ा और समय दिया जाना चाहिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर यह भी दिया गया कि वरिष्ठता में संशोधन के लिए कसरत शुरू। तो ये देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर दिया गया कि शिक्षा निदेशक ने मंगलवार को बताया कि सरकार ने वर्ष 1995 में विनियमित हुए तदर्थ शिक्षकों के करीब 1990 वरिष्ठता देने के आदेश दिए हैं। इसमें एलटी कैडर के ये दो यहाँ पे अलग खबर है, लेकिन आपको बता दें कि जो बड़ी खबर है वो यही है कि अब जो है जितने आपके जो पुरानी भर्ती चल रही थी उसमें 2000 पद नए शामिल होने जा रहे हैं, और ऐसा इसलिए हो रहा है कि शिक्षा मित्रों की वजह से। तो ये बड़ी खबर है, आपको बता दें कि अब जो है आपको नई विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है, और खासकर उनके लिए अच्छी खबर है जिन्होंने अभी अभी सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है अच्छे नंबरों से, तो उनको यहाँ पर उनको भी अब वक्त मिलेगा। और अब जो है इसमें आपको बता दें कि जो फॉर्म भरने की संख्या है वो काफ़ी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अभी आपको बता दें कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का यहाँ पे बीएड कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ यहाँ पे जो सीटेट का रिजल्ट आया हुआ है उसमें भी अब जो है इस बार क्योंकि रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा सीटेट का, तो यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो काफ़ी बढ़ गई है सीटेट क्वालिफाई करते हुए। तो अब जो है यहाँ पे पदों की संख्या बढ़ा दी गई है, तो ऐसे में अब अभ्यर्थी जो है वो सभी के सभी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो उनके लिए एक अच्छी खबर है जिन्होंने अभी अभी सीटेट क्वालिफाई कर लिया है।